पिपिलीरे आरंभ है कांग्रेस कर्मी सम्मेलनी भुशुड़ी पड़ा कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने अंटा भिड़िले अजित मंगराज प्रत्येक दिन अजित बाबू विभिन्न पंचायत को जा लोक समस्या विषय आलोचना करने दल को संगठित विषय परामर्श दे कांग्रेस दल मत संगठन दायित्व दे आम चेला कुमार जी आसते से कही आपण प्रत्येक ब्लॉक को जिबे प्रत्येक पंचायत को जाई सेठी प्रत्येक पंचायत कमिटी गठन करिवे संगठन को किभली भाव में सुदृढ़ करा जिवो सेई मंत्र से आमको देई की जाई दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी सफिन महम्मद को दुई दिनिया नुआपड़ा ग्रस्त डीआईजी जिलार विभिन्न माओ प्रभावित अंचल बुले जिलार पुलिस अधिकारी मानू एने समीक्षा बैठक करने आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे आलोचना करते हिंजिड़ी पुलिस द्वारा विपुल परिमाणर बाण जबत जबत बाणर आनुमानिक मूल्य 5 लाख टंका हेबो बोले हिंजिड़ी थाना अधिकारी अभिमन्यु दास सूचना देछंती यह सहित बाण बिक्री होता स्थान में पुलिस टीम चढ़ाऊ कर दुई जन को अटक रखा सह पचराउचरा कर ढेंकानाल जिला तुमुसिंगा थाना गांगीजोड़ी गांवर कूर पड़े जड़े 8 वर्ष शिशुकन्या मृत्यु मृत शिशुकन्या जनक गांवर सुमंत प्रधान झील जमापड़ एने गाँ परेशर किसी समय धरी शोकाकूल परेश सृष्टि ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक बाइंगिणिया गांव में अग्निकाण्ड घटी दुई बखरा घर संपूर्ण भस्मीभूत हो जाएगी अग्निकाण्ड में धान चाउल सह घर समस्त आसबावपत्र जली पड़े झारकार हो जाएगी खबर पाए घटनास्थल में अग्निशम बाहन पहुंची नियंको आयत करते केन्द्रापड़ा पट्टामुंडे ब्लॉक अंतर्गत चंदननगर पंचायत गोप्तिरा गांव में अभिराम एकमात्र पुत्र सत्यजित पाई समुद्र में गाधेवा समय निखोज हो जाती तेज घटनास्थल में पुलिस तदंत जारी रही सुवर्णपुर जिला सुबलाया थाना अंतर्गत भालुडुंगरी गांव में अघटन आज सका घर लोकों अनुपस्थित एकुटिया अवस्था किरोसीन ढाली आत्महत्या कर 25 वर्षीय तपन प्रधान तेज तपन जड़े मानसिक रोगी बोली परिवार पक्षर कहु जाजपुर जिला जेनापुर थाना अंतर्गत पणस पड़ियाटे इटाभाटी खाल में पड़े युवकों मृत्यु पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव व्यवच्छेद पठाई बेले अंचल शोकर छाय खेली जा गंजाम जिला जगन्नाथ ब्लॉक अंतर्गत भंजनगर दक्षिण बनखंड अधीन बुगुड़ा रेंज अंतर्गत पंचीभूत अंचल कुआपड़े हाथी पल शह शह एकर धान फसल खावास दड़ी चकटी नष्ट कर तेज वन विभाग पक्ष हाथी घोड़ाइवास धान फसल क्षति आकलन कर क्षतिपूरण अर्थ प्रदान करने साधारण दावी हो कोरापुट जिला जयपुर सहर में बीजेपी महिला मोर्चा नेतृत्व में अनेक एसएचजी ग्रुप्र महिला पौरपालिका कार्यालय घेराव करते कोरोना महामारी समय रे गरीब परिवार मानक दैनिक रंधा खाद्य बंटा जाता बेले आज पर्यंत से टंका मिलना यह विरोध कर तुरंत समाधान निम्ते पौरपालिकार ताला पकेबा सह आंदोलन को तीव्र करे बोले चेतावनी देछंती सुकिंदा ब्लॉक रे ओडिसा वर्ज्य वस्तु परिचालना रे प्रकल्प रामकी लिमिटेड रो एकर एकर जगार अवस्थापित होईछि किंतु प्रकल्प दीर्घ वर्ष धरी काम करथिले मध्य स्थानीय नियुक्ति देबा उपरे गुरुत्वारोप करूनथवा बेले ग्रामवासी माने अभिजोग करछंती एहार तुरंत स्थायी समाधान निमित्ते धारणा दिया जाइछि पानी पाई डहल विकल हो जरीपड़ा पंचायत अधीन चारिखंड गांव 500 लोक तेज पानी जलर स्थायी समाधान निम्ते जरीपड़ा पंचायत अफिस् सम्मुखें राजरास्ता को ओह्लैंट शह शह महिला नयागढ़ जिले में आतंक सृष्टि करुवा कान्हू को चांदपुर पुलिस संगीन अभियोग गिरफ्त कर कोर्ट चालना करापड़ी नाम से एकाधिक गोष्ठी संघर्ष हत्या और ठकई मामला रही खोर्धा जिला बाणपुर थाना भेटेश्वर गांव में एक अभावनीय घटना घटी जाइछि दियर को पाने देवाई दियर सोइथवा बेले गरम पेज उपरको फिंगी भाउज यह तदंत जारी रही खोर्धा जिला बाणपुर पुलिस विशेष सूत्र खबर पाई 10 लाख टंकार बाण जबत करने जन को गिरफ्त कर तेज ए दिगरे पुलिस तदंत करुछु बोली बालुका डीएसपी सूचना देछंती भद्रक जिला बांसडा थाना करंज माल फांडी अधीन करणपल्ली गांव में गंभीर पानी मड़ेबा को केन्द्र कर गंडगोल में जड़े मृत्यु हरण कर हत्याकांड में पुलिस 3 जन को गिरफ्त करने कोर्ट चालना केन्दुझर जिलार पूर्वतन मंत्री बद्रीनारायण पात्र आह्वान क्रमे घट गांव रक्तदान जीवन विद्युत कार्यक्रम अनुष्ठित हो शिविर 300 यूनिट रक्त संग्रह कार्यक्रम में राज्य में बीजेडी युव उपसभापति आशीष चक्रवर्ती जिलार युव सभापति बापीराम और ब्लक अध्यक्ष द्रौपदी दनपाट उपस्थित थे जाजपुर जिला बड़चणा में बहु प्रतीक्षित कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में 1 कोटी 5 लाख टंका व्यय में कृषि और कृषकों हित साधन पर एक उन्नत मानर बिहन परीक्षण केन्द्र उद्घाटित हो मुख्य अतिथि भाव कृषि मंत्री जोगद
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଆ ସ୍ଥିତ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କର କମଳରେ ଇଣ୍ଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣକାଳୀ ପୂଜା। ଯାଜପୁର ସହରରେ 46 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି।